सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है पेट्रोलियम इंजीनियर बेस्ड इंटरव्यू। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के देख सकते हो और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, हमारे एक व्यूवर ने कमेंट लिखा हमें कि सर मेरे को पेट्रोलियम इंजीनियर बेस्ड इंटरव्यू देना है, तो मुझे आप प्लीज इससे रिलेटेड इंटरव्यू दीजिए। तो मैं अपने व्यूवर्स को ही बोलना चाहूंगा, यदि आपको भी कोई इंटरव्यू देना है दोस्तों और आपको उससे रिलेटेड वीडियो नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू बेस्ड वीडियो नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको वीडियो जरूर बना कर देंगे। चलिए मोनिका, आप मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि पेट्रोलियम इंजीनियर का जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या होता है, हमें अच्छे से बताइए। सर इनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होती हैं। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लाइक क्रूड ऑयल्स एंड गैस नेचुरल गैसेज। सर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डील्स विद द स्टडी, एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैसेस एंड क्रूड ऑयल्स। सर जो पेट्रोलियम इंजीनियर होते हैं वो ऑयल और गैस संबंधित उत्पादन और खोज संबंधित कार्य करते हैं। इनका मुख्य मकसद ये होता है कि पेट्रोलियम भंडार को बिना किसी नुकसान पहुँचाए उसे उपयोगी बनाना और धरातल के नीचे से उसे धरातल सुरक्षित पर ऊपर स्थान पर लेके आना इनका मूल मकसद होता है। ये जियो साइंटिस्ट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और रिजर्वायर्स और कमर्शियल मैनेजर्स के साथ वर्क करते हैं। सर ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मेक्स ड्रिलिंग प्रोसेस सेफ फॉर वाइल्ड लाइफ, पीपल्स, कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट। वंडरफुल। चलिए फिर आप हमें ये बताइए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स आर देयर। सर बहुत से टाइप्स होते हैं, पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग, कंप्रेशन इंजीनियर, रिजर्वायर्स इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। वंडरफुल। पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है मोनिका? सर पेट्रोलियम के प्रश्न से हमें पेट्रोलियम गैस, डीजल ईंधन और पेट्रोल, पैराफिन, मोम्स एंड स्नेह के तेल प्राप्त होते हैं। ओके, और तेल रिफाइनरी के मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं? सर इसके मुख्य उत्पाद है डीजल ईंधन, अल्फाट एंड कैरोसिन, मिट्टी का तेल, गैसोलिन एंड एक्सेट्रा। ओके, व्हाट डू यू स्टडी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं? सर इसमें हम जियो मैकेनिक, जियोलॉजी ऑफ पेट्रोलियम और ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन, इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड मेजरमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्यूल मैकेनिक, थर्मोडायनेमिक, इंट्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम ऑपरेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड कंप्यूटेशन एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड जियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, यू मीन कंप्यूटेशन? यस सर। ओके, व्हाट जॉब्स कैन पेट्रोलियम इंजीनियर्स गेट, किस तरीके की जॉब्स वो प्राप्त करते हैं? सर इसके बहुत से स्कोप है और आप इजीली हर फील्ड, कई फील्ड में अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ऑयल वेल इंजीनियरिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन इंजीनियरिंग, ऑयल ड्रिलिंग इंजीनियरिंग, कंप्रेशन इंजीनियरिंग, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, नेचुरल गैसेज एंड एक्सेट्रा। रिजर्वायर इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सर पेट्रो सूट्स और ये क्लाउड बेस्ड होते हैं। एंड हु इज द फादर ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर? सर डॉक्टर अब्राहम गेसनर। What maths do petroleum engineer needs? Sir, algebra, geometry, trigonometry, and calculus. Very good. Where do petroleum engineer work? Sir, oil industries and research laboratories and drilling sites. Very good. Can you tell me the difference between petroleum engineering and petrochemical engineering? Sure, sir. Sir, petroleum engineering involves exploration and production, whereas petrochemical involves refining. Okay. And who controls the oil industry? Sir, FERC, जिसकी फुल फॉर्म होती है द फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, क्रूड ऑयल किसका बना होता है मोनिका? सर क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोजन और कार्बन्स के बने होते हैं मेनली। okay. और ये लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होते हैं हमें। ओके, कैन यू टेल मी द कलर एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ पेट्रोल? यस सर। सर ये ग्रेइश ब्लू कलर होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। Okay, grayish blue color. Yes, tinted sir. With green. Yes, sir. Can you tell me what is MS in petroleum products? Sir, motor spirit. ये mainly passengers vehicles में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कार, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर्स। Okay. And what do you mean by white petrol? सर ये एरोप्लेन और स्पेस जेट में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल होता है, इसे एयरक्राफ्ट फ्यूल भी कहा जाता है। सर ये क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन के दौरान फ्रैक्शन ऑफ कैरोसिन से हम प्राप्त होते हैं, जिसे हम वाइट पेट्रोल कहते हैं। Okay. Can you tell me about the 6 oil families? Yes, sir. Sir, ये oil majors कहा जाता है और ये 6 कंपनीज का ग्रुप होता है। Okay, oil major इनका नाम है, oil majors. Yes, sir. Okay. कुछ different fuels के नेम बताइए मोनिका। Sir, aviation gasoline, aviation turbine, kerosene, fuel oil, solar oil, diesel oil and biodiesel. Very good. Monica, what is class A petroleum? सर अगर किसी पेट्रोलियम का फ्लैश पॉइंट 23 सेंटीग्रेड से कम है तो उसे क्लास A पेट्रोलियम में रखा जाता है okay. और अगर उसका 23 सेंटीग्रेड ही है तो उसे क्लास B पेट्रोलियम में रखा जाता है okay. और अगर किसी पेट्रोलियम का फ्लैश पॉइंट 65 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो उसे क्लास C पेट्रोलियम में रखा जाता है. वेरी गुड. कैन यू टेल मी द सिनोनिम्स ऑफ क्रूड ऑयल? श्योर सर. सर रॉक ऑयल, फॉसिल ऑयल एंड ब्लैक गोल्ड, कॉयल ऑयल, डीजल, पेट्रोल, petroleum and crude oil. Okay. Monica, what are the classes of petroleum products? Sir, alkane, cycloalkane and aromatic. Okay, and hydroaromatic compounds. Can you tell me the three types of diesel? Yes sir. Sir, fossil diesel, synthetic diesel and biodiesel. Okay. And what are the engine systems? Sir, cooling system, fuel system, engine starting system and lubrication system. Wonderful. मोनिका, आप अपना करियर पेट्रोलियम इंजीनियर में क्यों बनाना चाहते हो? व्हाट इज द रीजन? सर जैसा कि हम जानते हैं कि ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और बड़ी इंडस्ट्रीज है okay. मैं अपने एक बिग बैनर के साथ जुड़ना चाहती हूँ, उसके अंडर में वर्क करना चाहती हूँ और इसमें इस फील्ड में हमें नई नई जगह पर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, न्यू न्यू थिंग्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा और ट्रैवल ये सर मेरी हॉबीज़ भी हैं तो मुझे लगता है मैं अपनी हॉबीज़ को भी पूरा कर सकती हूँ और मेरी स्किल्स और एजुकेशन इसके लिए रिक्वायरमेंट है. ओके okay. आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके. सर माय स्ट्रेंथ है आई एम जोवियल, वर्सेटाइल एंड फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनालिटी. हमारे पास और भी बॉयज़ एंड गर्ल्स है जो पेट्रोलियम इंजीनियर पोस्ट के लिए यहाँ पर आए तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर एट प्रेजेंट आई कांट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग इन क्यू लाइक मी बट आई टेल अबाउट माई सेल्फ. आई एम डिटर्मिन एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशल टूवर्ड्स माई वर्क एंड आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन बाई 100% honesty and sincerity okay. and sir please give me a chance to show my strength. Okay मोनिका, आप जानते हैं इस जॉब के लिए आपको डिफरेंट प्लेसेस पे जाना पड़ सकता है, अलग अलग प्लेसेस, तो कैसे मैनेज कैसे करोगे? सर मुझे होम सिकनेस नहीं है, आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, ये मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम. ओके और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हमसे? सर सैलरी डजेंट मैटर फॉर मी, वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी, सैलरी नॉट एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट. And what does your name mean? Sir, my name means good advisor, and I am very much similar to my name. I like to advise to help others. Okay. And Monica, you like to work alone or in a team? Sir, if necessary, I can work alone, but my preference is team because I am team spirit girl. और किस तरह के लोगों के साथ आप काम करना पसंद नहीं करते हैं? Sir, मैं वैसे वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ, मैं अपने आप हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करती हूँ बट आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूंगी जो अपने काम को लेकर लेजी हैं और अपने वर्क को लाइटली लेते हैं, पंचुअल नहीं है अपने टाइम को लेकर. मोनिका, जो पेट्रोलियम जो इंजीनियरिंग पोस्ट है ये बहुत प्रेशराइज्ड वर्क है तो आप इस प्रेशर को कैसे मैनेज कैसे करोगे? सर पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, ये हमारी लर्निंग स्टेज है, अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं वर्क करना पसंद करूँगी और सर मुझे लगता है प्रेशर तभी होता है जब हम पर वर्कलोड होता है और वर्कलोड तभी होता है जब हम किसी काम को डिले करते हैं तो मैं अपने काम को डिले नहीं करती, मैं अपने टाइम को लेकर बहुत पंचुअल हूँ और अपने काम को टाइम पर कंप्लीट करती हूँ. और मान लीजिए इस इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो हो सकता है मुझे में कुछ वीकनेस हो जिसके कारण आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया तो मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूँगी, उस पर काम करूँगी और नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू में आके बैठूंगी और सक्सेस होंगी बिकॉज आई बिलीव इन ट्राई अगेन. यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल. यस सर. चलिए दोस्तों, अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का और उन व्यूअर्स को जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं. दोस्तों लास्ट में आप अच्छे से जानते हैं मैं एक टिप जरूर देता हूं आपको और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है. यदि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री लेता हूँ तो ऑब्वियसली वो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे दोस्तों, वो है आपको सैलरी कितनी चाहिए. और कल यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप नंबर नहीं बताएंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे सर मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, आप कह सकते हैं सर सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट. However, sir, I am sure if you make me an offer, it will be equal to my qualifications and the current salary structure of the industry, sir. आप इस तरीके से आंसर दीजिए दोस्तों. इसके साथ में यदि आप एक्सपीरियंस है तो आप ये भी कह सकते हैं जॉब चेंज डज इंक्लूड रिस्क, देयरफॉर डिजर्व्स अ सुटेबल इंक्रीज. डेफिनेटली इंटरव्यू आपसे जरूर इंप्रेस होंगे फ्रेंड्स. और यदि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन हमारा इंट्रोडक्शन पर है जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी दोनों वीडियोस में बता रखा है, फिर भी मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग अपने नेम के मीनिंग से कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स. उसके बाद में अपना एजुकेशन बताइए, अपने सिटी के बारे में एक दो लाइन्स बता सकते हैं, अपने हॉबीज के बारे में बताइए, अपना एम बताइए, अपनी स्ट्रेंथ बताइए, पर अपनी फैमिली के बारे में कभी ना बताएं इंट्रोडक्शन के दौरान और अपनी वीकनेस कभी ना बताएं, अपनी स्ट्रेंथ जरूर बताएं. देखिए दोस्तों, यदि आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इस तरीके की बातें बताते हैं, सर आई एम अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, सर आई कैन एडजस्ट एनीवेयर, सर मैं जॉवियल पर्सन हूं, अब मैं अपने माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकता, सर आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सन, आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट, डेफिनेटली इंटरव्यू आपसे इंप्रेस होंगे। इवन आप कह सकते हैं आई एम अ कॉम्पिटिटिव पर्सन, आई लव चैलेंजेस, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने और अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा बता रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स जो आपके बहुत काम आते हैं, और आपको बताना चाहूंगा इंटरव्यू के दौरान यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है दोस्तों, तो आप ये मान लीजिए 100 में से 55 मार्क्स आपके श्योर है, और यदि आपकी टोन अच्छी है, आपकी आवाज बहुत बुलंद है, 38% मार्क्स उसके बनते हैं दोस्तों, और यदि आपके वर्ड्स पर कमांड है तो मात्र 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप सोच लीजिए जिस पर आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं उसके सबसे कम नंबर होते हैं, जिस पर आप बहुत कम मेहनत करते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज को आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए। हमने आपको 80 वीडियोस पीडी क्लासेस पर दे रखे हैं और अबंडेंट ऑफ वीडियोस हमने इंटरव्यू गाइड पर सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड दे रखे हैं, सीखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मोनिका, वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेकर, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर।